देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर रेणु जैन के नाम से एक बार फिर फर्जी व्हाट्सएप मैसेज चले। ये मैसेजेस विश्वविद्यालय के ही कुछ प्रोफेसरों को भेजे गए। इस बात का पता चलते ही कुलपति ने सोशल मीडिया पर मैसेज कर सभी को सावधान किया। अब इस पूरे मामले की शिकायत विश्वविद्यालय प्रबंधन क्राइम ब्रांच कर रहा है। इसके पहले भी कुलपति के नाम से फर्जी व्हाट्सएप मैसेज प्रोफेसरों को भेजने का मामला सामने आ चुका है। बुधवार को विश्वविद्यालय के कुछ प्रोफेसरों के पास कुलपति प्रोफेसर रेणु जैन के नाम से कुछ व्हाट्सएप मैसेज आए। वे भी उस समय आश्चर्य में पड़ गए जब उन्होंने ये मैसेज देखे, क्योंकि ये नंबर कुलपति के मोबाइल नंबर से नहीं बल्कि दूसरे मोबाइल नंबर से था, मगर व्हाट्सएप की डीपी पर कुलपति का ही फोटो लगा था। व्हाट्सएप पर मैसेज मिलने के बाद प्रोफेसरों ने कुलपति से संपर्क किया और उन्हें इन मैसेज के बारे में बताया। ये सुनकर कुलपति भी हैरान रह गई। प्रोफेसरों ने तत्काल उन्हें व्हाट्सएप मैसेजेस के स्क्रीनशॉट भी भेजे। हालांकि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मैसेज में किया गया वह देखकर ही प्रोफेसर समझ गए थे कि यह मैसेज कुलपति ने नहीं लिखे हैं। एक मैसेज में तो कुलपति के नाम से प्रोफेसर को कोई काम करने की बात भी लिखी है। प्रोफेसरों को व्हाट्सएप मैसेज आने के बाद कुलपति ने तुरंत सोशल मीडिया पर अलर्ट का मैसेज जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि किसी के द्वारा 9267921708 नंबर से व्हाट्सएप पर उनका फोटो इस्तेमाल कर चैट के जरिए चीटिंग करने की कोशिश की है, इसलिए सावधान रहें और इस नंबर के मैसेज का जवाब ना दें। ये मैं नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ और मुझे किसी आर्थिक मदद की ज़रूरत नहीं है। कुलपति ने कहा कि इस मामले की शिकायत क्राइम ब्रांच में की जाएगी। कुछ माह पहले भी इस तरह का मामला सामने आ चुका है, जहां कुलपति के नाम से ही व्हाट्सएप पर प्रोफेसरों कार्य परिषद सदस्यों को मैसेज भेजे गए थे और उसमें अमेजन पे गिफ्ट कार्ड की बात लिखी थी। साथ ही कुछ लोगों से रुपए की भी डिमांड की गई थी। इनकी शिकायत भी उन्होंने क्राइम ब्रांच में की थी। कुलपति की ईमेल आईडी के नाम से मिलती जुलती ईमेल आईडी बनाने का मामला भी यहाँ सामने आ चुका है।